नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। खोजवा क्षेत्र में मंदिर विवाद में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता को लगी गोली, ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में अपनी मांगों के समर्थन में किया गया कार्य बहिष्कार। मंत्री नीलकंठ तिवारी द्वारा कर्णघंटा कुंड के सुंदरीकरण के पश्चात किया गया इसका उद्घाटन। और पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष व अधिवक्ता राहुल राज के हमलावरों की अब तक गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध छात्रों ने निकाली न्याय यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। खोजवा क्षेत्र में मंदिर विवाद में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता को दबंग ने गोली मार दी, घायल का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित खोजवा के समीप संतोषी माता मंदिर के पास रविवार शाम हिंदू युवा वाहिनी के मंडल उपाध्यक्ष को इलाके के एक दबंग ने गोली मार दी। घायल अवस्था में उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं मंत्री रविन्द्र जायसवाल घटना की जानकारी लेने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। इस घटना के दौरान हुई मारपीट में दो अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी मंडल के प्रभारी अमरीश सिंह भोला के अनुसार संतोषी माता मंदिर के विवाद में मालवी मंडल के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे को गोली मारी गई है। उनकी हालत गंभीर है, घायल अवस्था में कार्यकर्ताओं ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के खुजवा चौकी के अंतर्गत ये एक संतोषी माता का मंदिर है। इसी में कुछ व्यक्ति पूजा पाठ का काम करते थे और कुछ इनके सचिव इत्यादि भी हैं। इन दोनों के बीच में आपस में मारपीट थी। एक पक्ष अतर सिंह और राजबहादुर है और दूसरा पक्ष अभिषेक और एक रमाकांत पाठक है। और इसी दौरान आपस में मारपीट के दौरान ही गोली चली। दोनों पक्षों को चोट लगी है, अभिषेक को गोली लगी है। अभी सभी को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल अभिषेक खतरे से बाहर है, अभी मेडिकल उपचार चल रहा है उनका और पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। सर, सुनने में आया कि हथियार जिससे गोली चलाई गई वो लाइसेंसी है। हाँ, ये प्राइमरी जो सूचना मिली है ये पता चला गया कि किसी लाइसेंसी हथियार से गोली चलाई गई है। पुलिस अभी जाँच कर रही है, अग्रिम पहलुओं पर गहराई से जाँच करने के बाद ही इसमें सर बताया कि विवाद के कई सारे कारण हैं। पूर्व का इनका विवाद भी है, रिसेंट के आज के भी कुछ विवाद हैं। इन सारे पहलुओं पे जब तक सभी पक्षों से बात नहीं हो पाएगी तब तक कुछ आगे करने का। यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में अपनी मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार किया गया। यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की जनपदीय शाखा वाराणसी द्वारा शिवप्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय के सभागार में जनपदीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्य बहिष्कार किया गया, जिसमें जनपद के स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यालयों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी, अपर निदेशक कार्यालय, SSPG चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, LBS रामनगर वाराणसी के समस्त लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थल से आकर प्रतिभाग करते हुए कार्य बहिष्कार कार्यक्रम को सफल बनाया। ये कार्य बहिष्कार निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश द्वारा लिपिक वर्गीय कर्मियों के भारी पैमाने पर अनियमित किए गए स्थानांतरणों को निरस्त कराने हेतु किया गया। इस कार्य बहिष्कार कार्यक्रम में KN गोस्वामी, निर्भय नारायण सिंह, पूर्णेंदु उपाध्याय, जगदीश प्रसाद इत्यादि लोग उपस्थित रहे। क्या बात, किस तरह का यहाँ पर ये धरना चल रहा है? धरना हमारा इसलिए चला है कि शासन द्वारा 20% स्थानांतरण का शासनादेश जारी किया गया है। तुरंत निदेशक प्रशासन महोदय द्वारा जो है लगभग जो 80% स्थानांतरण किया गया है, जिसमें से महिलाओं को लगभग 1000 किलोमीटर दूर पर स्थानांतरण किया गया है, जबकि वाराणसी जनपद पर कई पद रिक्त है, उस पर नवर का नेत्र स्थानांतरण किया गया है। इसी तरह से विकलांग कर्मचारियों का भी स्थानांतरण किया गया है, विकलांग आश्रित कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। कम पद नीति के अंतर्गत जो कर्मचारी आ रहे हैं उनका भी स्थानांतरण किया गया है।
सनातन जनपद के बगल में भी किए जा सकते थे या मंडल में किए जा सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो है तानाशाही के चलते 200-300 किलोमीटर दूर स्थानांतरण किए गए। महिलाओं का तो 1,000 किलोमीटर दूर पर इनके द्वारा स्थानांतरण किया गया है। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने द्वारा जो है 11 बजे से 3 बजे तक धरना दिया जा रहा है। कल से जो है पूरे सुबह 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर अनवरत धरना दिया जाएगा जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे। क्या है चिकित्सा कार्यालय में और इस स्थानांतरण से हम महिलाओं में बहुत ही रोष है और जो उनकी मानवता के हद पार कर लिए हैं। अभी जिसका ट्रांसफ़र 5 साल भी नहीं हुए हैं या और भी महिलाएं हमारी बहनें जो विकलांग हैं या बहुत दूर अपना परिवार छोड़ कर के इस कोरोना के पीरियड में कैसे जाएंगी, बहुत सारी समस्या उनके सामने है वो जो ठीक नहीं है। क्या मांग है आपने? हमारी मांग है हमारी सारी बहनों को इसी जनपद में ही समायोजन किया जाए और ताकि वो अपने परिवार को भी देख सकें और अपनी सर्विस भी। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे हम लोग? और आगे तक हमारे अध्यक्ष जी हैं उनके साथ हम लोग और आगे तक की लड़ाई लड़ेंगे। मंत्री नीलकंठ तिवारी द्वारा कर्णघंटा कुंड के सुंदरीकरण के पश्चात इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के कर्णघंटा मोहल्ले में स्थित कर्णघंटा कुंड के सुंदरीकरण के पश्चात मंत्री नीलकंठ तिवारी ने इसका उद्घाटन किया। कर्णघंटा कुंड की काफी दयनीय स्थिति हो गई थी। यहां कूड़ा फेंकने के कारण कुंड पटने की स्थिति में आ गया था। इस स्थिति को देखते हुए कुछ क्षेत्रीय वासियों ने इसकी जानकारी मंत्री नीलकंठ तिवारी को दी। उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए कुंड का सुंदरीकरण कराया और आज इसका उद्घाटन किया। उन्होंने शिलापट का अनावरण किया, साथ ही विधिवत पूजन अर्चन भी किया। वहीं सुंदरीकरण कार्य से क्षेत्रीय लोगों में काफी प्रसन्नता है। अनिल जी, आज किस तरह का ये उद्घाटन हुआ जीर्णोद्धार? ये व्यास कुंड है और काशी खंडोक्त इसका पुराण में बहुत वर्णन है। ये कुंड पूर्णतः समाप्त की कगार पर था, मगर क्षेत्रीय विधायक की परिश्रम से और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के दृष्टिगत आने से इस कुंड का जीर्णोद्धार आए पिछले वर्षों से काम चल रहा था, पूर्ण रूप से उसको नूतन स्वरूप दिया गया है और उसका माननीय धर्मार्थ मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी के हाथ से आज उसका उद्घाटन हुआ है और व्यास पर महादेव की पूजन करके उन्होंने आज इस कार्य को समाज को समर्पित किया। जी, कितना पुराना ये कुंड है, क्या इतिहास है इसका? इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। व्यास जी जो हैं उनको इसी जगह से श्राप हुए थे और यहीं से जब श्राप मिला उनको तभी व्यास नगर की स्थापना हुई। भगवान पार्वती जी ने उनको श्रापित किया था। तब इनका एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पूजन होता है और इस कुंड में स्नान करने से लोग कहते हैं कि कितने जन्मों का पाप मुक्त होकर आदमी को मोक्ष प्राप्त होती है। यहाँ हजारों की संख्या में दक्षिण भारत वगैरह बाहर के लोग जो भी हैं वो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और जीर्णशीनावस्था जब थी तो लोग बहुत दुखी हो रहे थे, आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये बहुत उत्तम कार्य क्षेत्रीय विधायक ने किया है, हम लोग सब क्षेत्रीय विधायक का और इस क्षेत्र के जनता की ओर से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय विश्वनाथ। मैं इस कर्णघंटा पौराणिक कुंड का बाल सेवादार हूँ और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी जी के माध्यम से इस कर्णघंटा कुंड का, जिसको व्यासेश्वर कुंड भी बोला जाता है, इसका जीर्णोद्धार हुआ और नव निर्माण हुआ। आज कुंड देखने लायक है, बल्कि लगभग साल भर पहले तक यह कुंड एकदम जर्जर अवस्था में थी और पटने की स्थिति में थी। बधाई हो राज्य मंत्री क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ तिवारी जी को जिन्होंने इस कुंड का निर्माण कराया और हम सभी क्षेत्रवासियों का की ओर से उनको अपार आभार और बधाई हम लोग देते हैं। कुंड में कोई बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी होता था पहले? जी, यहाँ पे अधिकतर रामलीला समिति काशीपुरा की ओर से प्रभु राम जी की लीला यहाँ बराबर होती रही है और इस कुंड का महत्व ये है कि इस कुंड में अगर काशी के अलावा कहीं का भी व्यक्ति आए और वह स्नान करता है तो मरणोपरांत उसे काशी में मृत्यु को का फल प्राप्त होता है। इस कुंड
कुंड की एक मेन इतिहास है और यहाँ पे व्यासेश्वर व्यास जी प्रथम गुरु व्यास वेदव्यास जी का तपोस्थली है। यहाँ से वेदव्यास जी कथा वाचन करते थे। कथा के अनुसार हम लोग सुने भी हैं कि प्रभु हनुमान जी कोढ़ी के वेश में आकर प्रभु रामचरितमानस का पाठ का कथा यहाँ सुना करते थे। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष व अधिवक्ता राहुल राज के हमलावरों की अब तक गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध छात्रों ने न्याय यात्रा निकाली। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष व अधिवक्ता राहुल राज पर हुए जानलेवा हमले में लिप्त बदमाशों को अब तक गिरफ्तार न किए जाने से क्षुब्ध विश्वविद्यालय के छात्रों ने न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान छात्रों ने कहा कि राहुल राज को गोली मारने की घटना के एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस संदर्भ में हम न्याय यात्रा निकालते हुए आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमलावरों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या मांगे जी? हम लोग की मांगे हैं जो एक हफ्ता पहले हमारे मित्र हमारे भाई हमारे नेता राहुल राज जी को जो गोली लगा है अभी वो सिंह हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी अभी भी स्वास्थ्य दिन पर दिन बदतर होती जाती है, नाजुक होती जाती है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी उसमें शामिल है साजिशकर्ता हो चाहे मारने वाले उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। कितने दिन हो गया? एक हफ्ते हो गया। एक हफ्ते हो गया जी। नाम भी लिए थे? जी हाँ, उसमें कुछ लोगों का नाम लिया गया था, वो नाम प्रशासन के पास भी दिया गया है। अभी उस पर छानबीन चल रहा है, प्रशासन कर रहा है कि इसमें कौन लोग हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनको सजा। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे? गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग को प्रशासन छोड़ा हुआ है। अभी ठोस उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला हुआ है, प्रशासन अभी उसके प्रति लगा हुआ है उसके पीछे। क्या मांगे आपकी पूरी है? हमारी मांगे यही है, इस घटने में जो भी संलिप्त है उसको जल्द से जल्द पकड़ के उसके खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग सभी छात्र रोड पर उतरने का काम किया जाएगा। सपा कार्यकर्ताओं ने अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान काशीवासियों को 1475 करोड़ की परियोजनाएं सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। 186 करोड़ की लागत से बना भारत जापान की मैत्री का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रतिनिधि मंडल व सपा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में अपर नगर आयुक्त देवीदयाल वर्मा को रुद्राक्ष सभागार निर्माण के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया और कन्वेंशन सेंटर के बाहर बैठकर धरना दिया गया। कार्यकर्ताओं ने पहले की भांति यहां शहर के मध्यमवर्गीय परिवार के शादी व अन्य आयोजनों को कराए जाने सहित 5 सूत्री मांगे की। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, अखिलेश मिश्रा, कमल पटेल इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज यहां पे किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी वर्मा तट और अस्सी तट के बीच में जिसको कहते हैं गर्व से बना रहे रस और पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पर लोग बनारस कहते हैं, आज उस सरजमी पर हम लोग बैठे हैं। 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, इस रुद्राक्ष सेंटर का उन्होंने लोकार्पण किया था। लोकार्पण करने के बाद पार्षद और पूर्व पार्षद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं और हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से आप रुद्राक्ष सेंटर को आपने बनाया है, क्या उसमें आम आदमी का आवागमन होगा? आम आदमी को कोई लाभ मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा आम आदमी को लाभ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज का यात्रा करेंगे, वो दिन तो दूर हो गए। यहाँ पर एक गरीब आदमी इस रुद्राक्ष सेंटर के अंदर कदम नहीं रख सकता। यहाँ पर सिर्फ सत्ताधीश लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, विधायक, MLA, MP के लिए सिर्फ बना है। हम लोगों का मांग है कि नगर निगम का जो सदन चलती है इसको निर्माण करने से पहले नगर निगम ने हमारे समाजवादी पार्टी के पार्षदों को आश्वासन दिया था कि जब ये रुद्राक्ष सेंटर बन जाएगा
तो यहाँ पर सदन की बैठक आहूत की जाएगी, मगर नगर निगम के अधिकारी उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस पे सिर्फ जो है पूंजीपतियों लोगों का यहाँ समावेश होगा। इसके विरोध में हम सभी समाजवादी साथी और रुद्रा सेंटर के सामने बैठे हैं। हमारा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग है कि इसको आम जनमानस के लिए खोला जाए, आम जनमानस के वैवाहिक समारोह के लिए इसको खोला जाए और हमारे जो नगर निगम के पार्षद हैं उनको यहाँ सुविधा दिया जाए और सदन की बैठक इस रुद्रा सेंटर में होनी चाहिए। ये हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो? हमारी बातें अगर नहीं मानी गई तो हम लोग समाजवादी साथी जनहित के मुद्दे पर जन समस्याओं के प्रति हम लोग सड़क से लेके संसद तक संघर्ष करने का काम करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सफाई मित्रों को वेतन न मिलने पर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। सारनाथ वाराणसी में नवीन गांवों में तैनात सफाई मित्रों ने विगत 3 महीने से वेतन न मिलने पर प्रदर्शन किया, साथ ही नगर निगम प्रधान कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने पहुंचे। वहीं नगर आयुक्त व अपर नगर आयुक्त की मौजूदगी न होने पर कर्मचारियों ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, जिसमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर सभी कर्मचारियों का वेतन उनके खाते में भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों का कहना है कि विगत 1 जुलाई को नगर आयुक्त द्वारा ये वादा किया गया था कि 3-4 दिनों में उनका वेतन उनके खातों में प्रेषित कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिस बाबत हम यहां पर आए हैं। किस लिए बैठे हो आप लोग? सर, हम इसलिए बैठे हैं कि सर हम लोग काम कर रहे हैं पूरे कर्मचारी मिलकर गांव गिराव में। सर, हम लोग 4 महीने से परेशान हैं। किस जोन में काम कर रहे हो? सारनाथ वार्ड में। कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा? 4 महीने सर तनख्वाह नहीं आ रही। सारे कर्मचारी हमारे परेशान हैं, जो भी हमारे भाई मित्र हैं सर, सब लोग, कितने लोग किराए पर रह रहे हैं, कितने बाल बच्चे परिवार वाले हैं सर। स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात हुई तो वो बोले सर कि साइन कर दिए हैं, अभी आप लोग का पैसा 1 हफ्ते में जाएगा। तो क्या संतुष्टि मिली है? संतुष्टि यही मिली कि सर 1 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग किया था तो वो बोले कि आप लोग घबराइए मत, जो भी परेशानी दिक्कतें होंगी आप हमारे पास डायरेक्टली आएगा और 3-4 दिन में आपका पेमेंट आपके पास पहुंच जाएगा। 3-4 दिन सर ये एक्स्ट्रा 20 दिन जा रहा है। 20 दिन से बताइए हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे परिवार वाले क्या करेंगे, बताइए। मांगे क्या है? मांगे मेरी यही कि सब कर्मचारियों के साथ और उनका जितना काम हम लोग किए हैं सर, सबको अकाउंट में पैसा लगना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे भाई मित्र सब परेशान हैं, सारे कर्मचारी। पत्रकार विकास परिषद के वाराणसी मंडल द्वारा औपचारिक बैठक आयोजित की गई। पत्रकार विकास परिषद के तत्वाधान में वाराणसी मंडल की ओर से एक औपचारिक बैठक भिखारीपुर स्थित एक होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन के विकास कार्यों के अलावा भविष्य में संगठन को मजबूत बनाने हेतु नए सदस्यों को जोड़ने संबंधी जैसे आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान मंडल के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष एवं मंडल के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयुक्त संचालन मंडल संयोजक अजय श्रीवास्तव, मंडल प्रभारी अंजनी राय द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में सुनील कटियार, अरुण सिंह, योगेश श्रीवास्तव इत्यादि लोग मौजूद रहे। रामनगर स्थित एक विद्यालय में कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। रामनगर स्थित एक निजी विद्यालय में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उत्साह के साथ अपना टीकाकरण कराया। इस दौरान लगभग 1,000 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हम विधानसभा कैंट के यशस्वी विधायक आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव जी की प्रेरणा से आज रामनगर में 1 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप सिहावीर स्थित किडजी स्कूल में लगाया गया है, जिससे इस क्षेत्र की जनता और रामनगर की जनता अपना फ्री वैक्सीनेशन करा रही है और वैक्सीनेशन से लाभान्वित हो रही है। कितना फ़ायदा होगा इससे? अभी जो कोरोना की थर्ड वेव तीसरी लहर आने वाली है, तो हमारा अगर नगर 80% तक भी वैक्सीनेटेड हो जाएगा तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और उसका लाभ नगर के प्रत्येक जनता को मिलेगा। और आज इस कैंप के लिए आप
हमारे साथ बैठे हुए हैं आशुतोष पांडे जी, यहाँ के डायरेक्टर हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन्होंने अपने पूरे सेंटर को वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध कराया और आम जनता की सेवा के लिए ये समाज में हमेशा तत्पर रहते हैं, इनका भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। डबल किंग इंडस्ट्रियल द्वारा पत्रकार वार्ता व एनुअल डीलर मीट का आयोजन हुआ। डबल किंग इंडस्ट्रीज LLP गाजियाबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं एनुअल डीलर मीट का आयोजन किया। कंपनी के मैनेजर मनोहर झा ने बताया कि डबल किंग इंडस्ट्रीज LLP इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एवं कूलर की अग्रणी निर्माता कंपनी है। इस अवसर पर कंपनी के MD मनीष सिन्हा ने उमेश जायसवाल सहित सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से कंपनी के सभी डिस्ट्रीब्यूटर एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ जहाँ से जो आए हैं, उन्हें कोरोना काल में हमने किसी को सबको एक अलग अलग प्रांत में अलग अलग रेट से अलग अलग अपने प्रोडक्ट को दिया है, जिसके साथ हमने कंपनी की तरफ से किसी को गाड़ी, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को चार पहिया, और साथ में हमने इस साल नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की बातें कही है। किस पहिया कहाँ के डीलर को मिला है? बरौद जायसवाल जी। सर, बात की जाए तो किन किन राज्यों में, किन किन क्षेत्रों में आपका ये चीज़ सेलिंग होती है? हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और उधर मध्य प्रदेश, फिर आपके NCR और उसके बाद राजस्थान में हम लोग इस टाइम वर्क। नगर निगम द्वारा शहर की स्वच्छता पर ध्यान देना तो दूर की बात है, नगर निगम कार्यालय में ही गंदगी का अंबार लगा है। एक ओर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश सहित शहर वाराणसी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अपील करते हैं, आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर PM के संसदीय क्षेत्र वाराणसी शहर को स्वच्छ बनाए रखने व स्वच्छता रैंकिंग में पहले पायदान पर लाने के लिए वाराणसी नगर निगम ने भी जिम्मेदारी संभाल रखी है। मगर नगर निगम द्वारा शहर की गंदगी को तो दूर करना काफी दूर की बात है, यहाँ नगर निगम कार्यालय के अंदर ही मलबा व भीषण गंदगी का अंबार दिखाई देता है। कुछ दिनों पूर्व सफाई को लेकर नगर आयुक्त ने आदेश भी दिया था, मगर आदेश केवल जुबान तक ही सीमित रह गए, कहीं भी दूर दूर तक गंदगी हटाने की कवायद नजर नहीं आई। राय जी, इस वक्त नगर निगम में आप खड़े हैं, नगर निगम तीसरी बदहाल दिखाई दे रही है, जहां नगर निगम सफाई की बात करता है वहीं यहां कूड़े का अंबार दिखाई दे रहा, क्या वजह है? ये इसे लापरवाही कह सकते हैं। हालांकि अपने जो आदरणीय नगर आयुक्त महोदय हैं गौरांग राठी जी, वो तो अपने स्तर से काफ़ी प्रयासरत हैं कि नगर निगम परिसर भी साफ सुथरा रहे और शहर भी रहे, लेकिन इसकी जो स्थिति आज की तारीख में आप इस समय देख रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी उनके अधीनस्थ, उनकी लापरवाही है। कुछ महीनों पहले यहाँ स्वयं नगर आयुक्त महोदय आए थे और हम लोग अपने बनारस रिक्शावान महासभा का कार्यालय हम लोग का है वहीं थे, उस दरमियान उनसे भेंट भी हुई थी, हमारे मनोज भाई वगैरह सब लोग यहाँ पर थे, वरिष्ठ अधिकारियों में यहाँ के विभागीय, उनसे उन्होंने ये कहा था कि इसको नोट करिए और ये सब कुछ ठीक ठाक कराइए, ये हटवाइए, लेकिन चूँकि उनके पास अन्य महत्वपूर्ण कार्य और भी हैं, लेकिन उनकी बातों को उसका पालन नहीं किया गया, तो ये मूल रूप से इसकी सारी जिम्मेदारी बनती है उनके कहने पर, उनके स्पॉट का दौरा करने के बाद उन्होंने जो मौखिक या लिखित निर्देश अपने अधीनस्थों को दिया था, उन्होंने उसका पालन किया करना था उन लोगों को जो उनके मातहत रहे। अब यहाँ का हाल ये है कि हर सेक्शन में छोटे से लेके बड़ा तक अधिकारी कर्मचारी सिर्फ इस जुगाड़ में रहता है, उसे 2 रुपया, 400 रुपया, 1000 रुपये कहाँ से मिलेगा, उसे यहाँ की सफाई, यहाँ अच्छे से व्यवहार या इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि हमारा मिनी सदन जो यहाँ पर है, मिनी सदन भी इस मामले में निष्क्रिय है। यहीं पर देखिए, आप इधर देखिए, ये टैक्स यहाँ जमा होता है, हमारे शहर के लोग यहाँ टैक्स अपना जमा करने आते हैं। अब इसके इतनी बुरी स्थिति में यहाँ गंदगी फैली हुई है। तो चलते चलते पुनः एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
खुजवा क्षेत्र में मंदिर विवाद में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता को लगी गोली, ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा कबीरचौरा मंडली अस्पताल में अपनी मांगों के समर्थन में किया गया कार्य बहिष्कार। मंत्री नीलकंठ तिवारी द्वारा कर्णघंटा कुंड के सुंदरीकरण के पश्चात किया गया इसका उद्घाटन। और पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष व अधिवक्ता राहुल राज के हमलावरों की अब तक गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध छात्रों ने निकाली न्याय यात्रा। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।